हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप भी इस तरह की मिडी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस मिडी को बनाने के लिए 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है, और 1.5 मीटर कपड़े को हमने इस तरह से रखा है। देखिए, ये कपड़े की लंबाई है यानी कि लेंथ है 1.5 मीटर की, और ये कपड़े की चौड़ाई है, और इस कपड़े की चौड़ाई भी 1.5 मीटर ही है। तो हमने यहाँ पे चौड़ाई वाली साइड में इसे एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, ये देखिए इस तरह से कपड़े की जो अर्ज वाली साइड है, हमने अर्ज वाली साइड में ही एक फोल्ड करके कपड़े को रखा है। और ये फोल्डेड साइड है, देखिए ये ओपन साइड है। और अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से पकड़ते हुए एक फोल्ड और कर लेना है कपड़े की चौड़ाई वाली साइड को ही। ये देखिए इस तरह से, तो कपड़े को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में रख लिया है। देखिए, 2 फोल्डेड साइड है और 2 ओपन साइड है। अब हम यहाँ पे मिडी के अपर पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि मिडी का जो बॉडीज पार्ट है उसकी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में मिडी का जो बॉडीज पार्ट है उसकी लेंथ है 14 इंच यानी कि 14 इंच, और 14 इंच हमारे रेडी नाप है। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच सिलाई में ऊपर से जाएगा और आधा इंच सिलाई में यहाँ पर नीचे से जाएगा। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी कि 15 इंच। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरह से हमें पूरे में 15 इंच पे एक निशान लगा के इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे मिडी के बॉडीज पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है, और अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इससे हम मिडी के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे अभी हम साइड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें बॉडीज पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ देखिए 15 इंच ली हुई है, 14 इंच हमारी रेडी नाप है, और इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से 1/2 इंच पर एक निशान लगा के इसे सीधी लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 12 इंच, और 12 का मैं हाफ़ करूँगी तो आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर है आप उसका हाफ़ कर लें। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊँगी, और इस निशान से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। और ऊपर से हमने जो यहाँ पे 1/2 इंच पे एक निशान लगाया है, इस निशान से देखिए नीचे को हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए, और इसे हम यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच यानी कि 32 इंच, और 32 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी यानी कि 4 से भाग दूँगी, तो हमारा आएगा 8 इंच। और यहाँ पे हमें 8 इंच पे ही एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाऊँगी। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 27 इंच, और 27 को मैं 4 से भाग दूंगी तो आएगा 6.75 इंच, और 6.75 में मैं 1 इंच प्लस कर लूँगी क्योंकि 1 इंच की यहाँ पे हमारी डाट आएगी। तो यहाँ पे मैं 7.75 इंच पे एक निशान लगाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, और अब इसे हम ऊपर लाइन से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इस लाइन से आगे को मार्जिन के लिए निशान लगाना है। देखिए, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, तो इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगा के इसे भी हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंच, तो इस तरह से यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब जो हमारी ये आर्म होल वाली लाइन है, देखिए यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस कॉर्नर में हमें इस कॉर्नर से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ पे नेक विड्थ वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नेक की डीपनेस ले रही हूँ 6 इंच, तो इस तरह से 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है, और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से, और अब हम यहाँ पे नेक की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने नेक की शेप दे दी है, और अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमने यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप दिया हुआ है देखिए, और अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से।
तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों अमूल का शेप हमने यहाँ पे दे दिया है। अब हम यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पे कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डार्ट डालने के लिए। अब हमें इस निशान के दोनों साइड में 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस निशान से ऊपर को एक निशान लगाएंगे 4.5 इंच तक, ये देखिए इस तरह से। और 4.5 इंच तक ही हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और अब जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे एक निशान लगाया है, इसे भी हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे दोनों साइड से इस तरह से। तो कमर में हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, हम 1 इंच के यहाँ पे इस तरह की एक डार्ट डाल लेंगे। और अब हमारी इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, और इसमें हमने नेक की कटिंग नहीं की है, इसे हम बाद में कट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे बचे हुए कपड़े को साइड करना है, और इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे देखिए इस तरह से, और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। और फ्रंट वाले पार्ट का नेक भी कट कर लेंगे, और यहाँ पर आर्म होल भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का नेक भी कट कर लिया है और आर्म होल भी कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, और यहाँ पे हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ में यहाँ पे 3 इंच लूँगी, और नेक के डीपनेस में यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। तो 5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा के यहाँ से भी हमें 3 इंच पर ही एक निशान लगाना है, और इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है देखिए। और अब हम यहाँ पे नेक की शेप दे देंगे, और अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट में भी डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह से देखिए, और इस निशान से ऊपर को हमें 4.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह की। और यहाँ कमर में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डार्ट डालने के लिए, तो अब हमें इस लाइन के दोनों साइड में 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इन निशानों को भी यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम 1 इंच की डार्ट डाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम मिडी के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे देखिए। तो हमने यहाँ पे बचे हुए कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है, ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की चौड़ाई है, यानी कि अर्ज वाली साइड है। तो कपड़े की अर्ज वाली साइड से ही हमने यहाँ पे इसे एक फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मेरे मेज़रमेंट में मिडी की जो फुल लेंथ है वो है 34 इंच, और 34 में से हम 14 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि मिडी का जो अपर वाला पार्ट है यानी कि बॉडिस जो पार्ट है, बॉडिस पार्ट की जो लेंथ है वो है 14 इंच। तो हम यहाँ पे फुल लेंथ में से 14 इंच माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा 20 इंच। तो यहाँ पर हम 20 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे देखिए। और ये कपड़ा हमने यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा हुआ है, तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट निकलेगा यानी कि फ्रंट वाले पार्ट के लिए। और इस निशान से हम नीचे को एक निशान और लगाएंगे 20 इंच पे, तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट निकल जाएंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो यहाँ पर हम 20-20 इंच के 2 पार्ट निकालेंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो यहाँ पर हमें अब 20 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाना है, और पूरे में इस तरह से 20 इंच पे एक निशान लगा के इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लिया है। और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये भी हमारा 20 इंच का ही है देखिए। तो यहाँ पे 20 इंच के हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। ये देखिए ये इसकी चौड़ाई है यानी कि कपड़े का अर्ज वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें गैदर्स देनी है। और ये लेंथ है यहाँ पे कपड़े की यानी कि 20 इंच की इसकी लेंथ है। और ये जो यहाँ पे चौड़ाई वाली साइड है, यहाँ पे हमें 5 नंबर की एक सिलाई लगा के इसमें गैदर्स देने हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बॉडिस पार्ट के नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है, ये देखिए। तो फ्यूजिंग पेपर को हमने इस तरह से रखा हुआ है देखिए, एक फोल्ड करके। और इसकी लेंथ यहाँ पर हमने 9 इंच ली है,
और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 6 इंच ली हुई है देखिए, और इसे हमने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है यहाँ पे। अब यहाँ पे फोल्डेड साइड के ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से इस नेक को रखना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है देखिए। और अब हमें यहाँ पे नेक को ट्रेस कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब नेक को ट्रेस करने के बाद इसमें से हम बॉडीज पार्ट को हटा लेंगे देखिए इस तरह से। और अब जो हमने ये निशान लगाया हुआ है नेक का, इससे आगे को हमें एक निशान लगाना है 2 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। पूरे में हम 2 इंच पे एक निशान लगा के इसमें भी हम नेक का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे में नेक का शेप दे दिया है। अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे नेक की कटिंग भी कर ली है देखिए। और अब हम इसमें मेन फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग में मेन फैब्रिक को भी पेस्ट कर लिया है देखिए। एक साइड यहाँ पे फ्यूजिंग है देखिए और एक साइड हमने यहाँ पे कपड़े को पेस्ट कर लिया है। और ये कपड़े की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो यहाँ कपड़े की राइट साइड के ऊपर से हमें इस पट्टी को रखना है देखिए। फ्यूजिंग वाला पार्ट ऊपर साइड रहेगा और कपड़े वाली साइड यहाँ पे इस तरह से नीचे वाली साइड रहेगी देखिए। और इस तरह से नेक में रखते हुए यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है इसमें। ये देखिए यहाँ नेक में हमें पट्टी को इस तरह से रखते हुए इसमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है साइड से। तो ये देखिए यहाँ हमने पूरे नेक में सिलाई लगा ली है ये देखिए। और अब हम यहाँ पे पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। और अब हमें पट्टी को इस तरह से देखिए, पट्टी को इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न करना है और यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। और ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है देखिए जहाँ पे हमने कट लगाया है, इस कपड़े को हमें यहाँ पे पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। और यहाँ पे टॉप स्टिच रखने के बाद पट्टी का जो ये वाला साइड है देखिए, यहाँ साइड से हमें पट्टी को इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी पूरे में यहाँ पे सिलाई रख लेनी है। तो पहले हम यहाँ पे टॉप स्टिच रखेंगे देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रख ली है और रॉन्ग साइड से ये जो कपड़ा था ये हमने पट्टी की साइड को ही फोल्ड करते हुए इसमें टॉप स्टिच रखी हुई है देखिए पूरे में। और अब हमें यहाँ पे पट्टी में इस साइड से एक फोल्ड करते हुए इसमें पूरे में एक सिलाई रख लेनी है। तो देखिए यहाँ पे पट्टी में मैंने साइड से एक फोल्ड करके इसमें पूरे में सिलाई रख ली है। और अब हमें इस पट्टी को रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है देखिए। और यहाँ पे हमारा नेक बनके बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पट्टी को रॉन्ग साइड से हमें यहाँ पे इसमें हेमिंग कर लेनी है, पूरे में हम यहाँ पे इसमें तुरपन कर लेंगे। और अब देखिए हमने यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाया हुआ है, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी डार्ट का निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड से डार्ट का निशान लगा लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ हमें डार्ट किस तरह से देना है। तो देखिए यहाँ पे डार्ट में हमने जो ये 3 लाइन ड्रॉ करी है इसमें हमें बीच वाली लाइन को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से रख लेना है देखिए। और यहाँ साइड से 1/2 इंच में एक लाइन हमने और ड्रॉ करी थी, इसी लाइन में हमें एक सिलाई रख लेनी है। और अब सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले डार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में दोनों डार्ट्स दे दिए हैं देखिए। और अब सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है, ये देखिए इसमें भी हमने दोनों डार्ट्स डाल ली हैं। और इसका नेक भी हमने रेडी कर लिया है, इसमें हमें तुरपन करनी है। तो इसमें तुरपन हम बाद में करेंगे, अब मैं इसका बॉटम पार्ट रेडी करूँगी। तो देखिए मिडी के बॉटम पार्ट के लिए हमने एक पीस कट किया हुआ था जिसकी लेंथ हमने 20 इंच ली थी और कपड़े की चौड़ाई हमने यहाँ पे पूरी ली हुई है। ये चौड़ाई है कपड़े की और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि लंबाई। और अब हमें यहाँ पे चौड़ाई वाली साइड से इसमें एक 5 नंबर की सिलाई लगानी है और एक साइड से हम यहाँ पर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे।
यहाँ एक साइड से हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है, और एक साइड से यहाँ पे 5 नंबर की एक सिलाई लगा के पूरे में हमें गैदर्स देने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें 5 नंबर की एक सिलाई लगानी है एक साइड से। मैंने यहाँ पे इसमें 5 नंबर की एक सिलाई लगा ली है पूरे में, और अब हमें किस तरह से गैदर्स देने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो साइड से जो हमारा ये थ्रेड है, इस थ्रेड में से एक थ्रेड को हम इस तरह से खींचते हुए इसमें गैदर्स दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे में यहाँ पर इसमें गैदर्स दे देनी है, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें पूरे में गैदर्स दे दिए हैं, और अब जो हमारा ये बॉडीज पार्ट है, देखिए बॉडीज पार्ट का जो एक कमर वाला पार्ट है, ये गैदर्स हमारे इसी के बराबर होनी चाहिए। देखिए इस तरह से हम इसे मेज़र कर लेंगे, तो देखिए ये इसी के बराबर है, और यहाँ गैदर्स वाले पार्ट में दोनों साइड से हमें 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए ही इसमें गैदर्स देनी है, और इस तरह से हमें इसको मिलाते हुए रखना है देखिए, और यहाँ ऊपर से कमर में इसमें एक सिलाई लगा लेनी है, और बॉडीज पार्ट की और बॉटम पार्ट की दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए ही हमें रखनी है देखिए इस तरह से, और यहाँ ऊपर से इसमें हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है, और अब मैं इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से, और अब हमें सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है, और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है, ये देखिए बैक पार्ट में भी हमने इसके बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। देखिए अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे, तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और कपड़े की सीधी साइड है, इसके ऊपर हमें अपने बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है देखिए बिल्कुल मिलाते हुए। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है, और बैक वाले पार्ट की पट्टी को हमें इस तरह से ओपन करके रखना है, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है देखिए, और ये कपड़े की राइट साइड है, तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की फेस करते हुए ही हमें रखनी है, और ये जो साइड से यहाँ पे सिलाई है, इन दोनों की सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए हमें रखना है देखिए इस तरह से, और अब जो ये पट्टी है ये हमें राइट साइड की ओर को ही टर्न कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से, और इसमें अब हमें यहाँ पे एक सिलाई रख लेनी है, और सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन करेंगे। तो दोनों शोल्डर यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिए हैं देखिए, और अब हम कपड़े को इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न करेंगे, ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन हो गए हैं, और अब हमें यहाँ पे पूरे गले में इसमें हेमिंग कर लेनी है, और अब हम इसके आर्म होल रेडी करेंगे। तो आर्म होल रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी कट की हुई है देखिए, ये देखिए इस तरह से बायस में हमने एक पट्टी कट की हुई है, ये रॉन्ग साइड है पट्टी की, ये राइट साइड है, तो पट्टी को इस तरह से एक फोल्ड करना है, और उसके बाद इसे हमें आर्म होल में रखते हुए एक सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से रखते हुए पूरे आर्म होल में हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमारा आर्म होल है, और यहाँ पे हमने एक पट्टी ली हुई है देखिए, और पट्टी को हमें इस तरह से एक फ़ोल्ड करना है, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आर्म होल में हमें इस तरह से रखना है देखिए, और यहाँ साइड से एक सिलाई लगाते हुए पूरे आर्म होल में हमें इसी तरह से एक पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे पूरे आर्म होल में हमने पट्टी लगा ली है, और अब हम यहाँ पे आर्म होल में इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरे में, और अब हमने यहाँ पे पूरे आर्म होल में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, और अब हमें यहाँ पे इस तरह से पट्टी को रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है देखिए, ये देखिए इस तरह से एक टर्न करना है रॉन्ग साइड को, और यहाँ रॉन्ग साइड से हमें पूरे में इसमें हेमिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे नेक में भी हेमिंग कर ली है, और यहाँ आर्म होल में भी पूरे में हमने हेमिंग कर ली है, यानी कि तुरपन हमने पूरे में कर ली है, और अब हमें यहाँ पे इस तरह से दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इसमें हमें साइड से एक सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए अब हमारी मिडी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।